तो मेरे भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल क्रिकेट घातक में एक नई नवेली वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय बल्लेबाजों। और साथ ही भाइयों, इन टॉप 10 भारतीय बल्लेबाजों में से एक भारतीय बल्लेबाज ऐसा भी है जिसका नाम आप में से 80% लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। कौन सा भारतीय बल्लेबाज और किस भारतीय बल्लेबाज ने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाकर हमारे इस वीडियो में नंबर 1 के पायदान पर अपना नाम दर्ज करा रखा है, आइए आपके इस कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से पता लगा लेते हैं। तो मेरे भाइयों, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं पॉल वाल्टहार्टी। पॉल वाल्टहार्टी सन ने अपने आईपीएल के शतक को लगाने के लिए मात्र 52 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 13 अप्रैल 2011 को मोहाली के क्रिकेट ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 63 गेंदों में 120 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 19 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, ये शतक पॉल चंद्रशेखर वाल्टहार्टी सर के आईपीएल करियर का पहला और इकलौता शतक है। साथ ही इनके शतक की मदद से पंजाब की टीम ने इस मैच को 6 विकेटों से अपने नाम किया था। नंबर नेक्स्ट, देवदत्त पाडिगल। देवदत्त पाडिगल सर ने अपने आईपीएल के शतक को लगाने के लिए मात्र 51 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 22 अप्रैल 2021 को मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 52 गेंदों में 101 रन की नाबाद पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 11 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, ये शतक देवदत्त पाडिगल सर के आईपीएल करियर का पहला शतक है। साथ ही इनके शतक की मदद से आरसीबी की टीम ने इस मैच को 10 विकेटों से एक तरफा अपने नाम किया था। नंबर नेक्स्ट, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग सर ने अपने आईपीएल करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 50 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 30 मई 2014 को मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगाया था। इस मैच में उन्होंने मात्र 58 गेंदों में 122 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 12 चौके और 8 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई, वीरेंद्र सहवाग सर ने अपना ये शतक 2014 के आईपीएल के दूसरे क्वालिफाई मैच के अंदर लगाया था जिसके चलते पंजाब की टीम इस मैच को 24 रनों से अपने नाम भी कर लेती है। नंबर नेक्स्ट, वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर सर ने अपने आईपीएल करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 49 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 16 अप्रैल 2023 को मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में मुंबई के खिलाफ लगाया। इस मैच में अय्यर सर ने मात्र 51 गेंदों में 104 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 6 चौके और 9 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाई, वेंकटेश अय्यर सर का ये शतक इनके आईपीएल करियर का पहला शतक है। इसी के साथ ये कोलकाता की तरफ से आईपीएल इतिहास में शतक बनाने वाले ब्रेंडन मैकुलम सर के बाद दूसरे बल्लेबाज बने। तो मतलब कोलकाता की तरफ से आईपीएल के अंदर मात्र 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया, ये एक चौंकाने वाली बात। तो चलिए भाई, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 6 नंबर पर आते हैं रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह सर ने अपने आईपीएल करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 49 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 1 जून 2014 को बेंगलोर के क्रिकेट ग्राउंड में कोलकाता के खिलाफ लगाया था। इस मैच में उन्होंने मात्र 55 गेंदों में 115 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 10 चौके और 8 छक्के भी शामिल। और इसी के साथ भाइयों, शाह सर ने अपना ये शतक 2014 के आईपीएल के फाइनल मैच में लगाया था, लेकिन शाह सर की इतनी मेहनत के बावजूद भी पंजाब की टीम इस साल का आईपीएल नहीं जीती, बल्कि मनीष पांडे सर की 94 रनों की पारी की मदद से कोलकाता की टीम इस फाइनल मैच को 3 विकेटों से जीत जाती है और इस साल के आईपीएल की चैंपियन बन जाती है। नंबर नेक्स्ट, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग सर ने अपने आईपीएल करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 48 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 5 मई 2011 को हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में डेकिंग चार्जेस के खिलाफ लगाया। इस मैच में सहवाग सर ने मात्र 56 गेंदों में 119 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 13 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाई, वीरेंद्र सहवाग सर दिल्ली की तरफ से इस मैच में मात्र इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने डेकिंग चार्जेस की टीम का डटकर सामना किया था और इनके इसी शतक की मदद से दिल्ली की टीम ने इस मैच को 4 विकेटों से अपने नाम किया था। नंबर नेक्स्ट, विराट कोहली। विराट कोहली सर ने अपने आईपीएल करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 47 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 18 मई 2016 को बेंगलोर के क्रिकेट ग्राउंड में पंजाब के खिलाफ लगाया था। इस मैच में किंग कोहली सर ने मात्र 50 गेंदों में 113 रन की पारी खेली थी और अपनी इस पारी में इन्होंने
कुल 12 चौके और 8 छक्के भी जड़े और इसी के साथ भाइयों शतकों के सम्राट विराट कोहली सर का ये शतक इनके आईपीएल करियर का 4th शतक था और इनके शतक की मदद से आरसीबी की टीम ने इस मैच को 82 रनों से अपने नाम किया था। नंबर नेक्स्ट मुरली विजय। मुरली विजय सर ने अपने आईपीएल करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 46 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 4 मार्च 2010 को चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगाया। इस मैच में इन्होंने मात्र 56 गेंदों में 127 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 10 चौके और 7 छक्के भी शामिल और साथ ही भाई मुरली विजय सर का ये शतक इनके आईपीएल करियर का पहला शतक था और इस शतक को जड़कर वो इस मैच के हीरो बने गए तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मैच को 23 रनों से अपने नाम किया था। नंबर नेक्स्ट मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल सर ने अपने आईपीएल करियर के शतक को जड़ने के लिए मात्र 45 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 27 सितंबर 2020 को शारजहां के क्रिकेट ग्राउंड में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगाया था। इस मैच में अग्रवाल साहब मात्र 50 गेंदों में 106 रन की पारी खेलते और अपनी इस पारी में ये कुल 10 चौके और 7 छक्के भी जड़ते और साथ ही भाई मयंक अग्रवाल सर का ये शतक भी इनके आईपीएल करियर का पहला शतक होता है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी पंजाब की टीम इस मैच को जीतती नहीं है बल्कि राहुल तिवटिया सर के तूफान के आगे पंजाब की टीम इस मैच को हार जाती है। तो चलिए भाई इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान सर ने अपने आईपीएल करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 37 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 13 मार्च 2010 को ब्रबोन के क्रिकेट ग्राउंड में मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगाया था। इस मैच में उन्होंने मात्र 37 गेंदों में 100 रन की पारी खेली थी और अपनी इस पारी में उन्होंने कुल 9 चौके और 8 छक्के भी जड़े थे। इसी के साथ भाइयों इस मैच में यूसुफ पठान सर शतक बनाते ही रन आउट हो जाते और उनके रन आउट होते ही राजस्थान की टीम इस मैच को मात्र 4 रनों से हार जाती। अगर यूसुफ पठान सर इस मैच में रन आउट नहीं होते तो वो अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस मैच को जिता देती। तो चलिए भाइयों इसी के साथ ये बात तो हो गई आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज और इसी के साथ भाइयों के यूसुफ पठान सर के इस रिकॉर्ड को कोई भारतीय बल्लेबाज ब्रेक कर पाएगा? अगर कोई कर पाएगा तो वो कौन सा बल्लेबाज होगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से एक भारतीय बल्लेबाज का नाम जरूर बताएं। और हाँ भाइयों बताना जरूर यार कमेंट करने में कौन सा पैसा लगता है। और मुझे लग रहा है कि इसी आईपीएल के अंदर यूसुफ पठान सर के इस रिकॉर्ड को कोई भारतीय बल्लेबाज तोड़ सकता है क्योंकि ये आईपीएल भैया जोरों शोरों से चल रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसी आईपीएल में ये रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। आपके हिसाब से कौन होगा वो बल्लेबाज? प्लीज कमेंट सेक्शन में एक भारतीय बल्लेबाज, बस एक भारतीय बल्लेबाज का नाम जरूर बताएं। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तो वैसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने भाई को मत भूल देना यार।